चलिए, तो खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ कुलभूषण जुड़े हुए हैं, तो वही रायपुर से हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आज हम रुक कर लेते हैं अमित का। अमित, कौन सी वो तमाम बड़ी खबर है जो सुर्खियों में बनी रहेगी? बिल्कुल तरन्नुम, जिस तरीके से इस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से बनारस के दौरे पर कल रात निकले हैं, रात 8 बजे वो यहां से रवाना हुए थे और 7:45 बजे वह दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। इसके बाद चूंकि आज प्रियंका गांधी की रैली काशी में होनी है, तो काशी में बनारस जा रहे हैं उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां पर वह एक प्रकार से काशी से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को कोसेंगे। इस तरीके की एक वहां पर रैली आयोजित की गई है, जहां पर बड़ी संख्या में किसानों को संबोधित किया जाएगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें मुख्य रूप से शामिल होकर किसानों को संबोधित करेंगे। वहीं यहां हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री जो डॉक्टर रमन सिंह है, वह भी आज कवर्धा दौरे पर जा रहे हैं और जिस तरीके की कवर्धा में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जहां पे एक तरफ लखीमपुर खीरी की घटना थी, वहीं कवर्धा में भी उसी तरह का तनाव फैला हुआ है। तो कवर्धा में आज वह दौरे पर जाएंगे और वहां पर वह जाकर जो पुलिस लाठी चार्ज के बाद पीड़ित लोग हैं उनके परिजनों से मिलेंगे, पीड़ितों से मिलेंगे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के इस तरह के कार्यक्रम है। साथ ही हम बात करेंगे भाजपा के आईटी सेल की एक बैठक यहां पर आयोजित की गई है, जिसमें सोशल मीडिया से लेके आईटी सेल किस तरह मिशन 2023 में किस तरह कारगर साबित होगा, किस तरह की रणनीति तैयार होगी, आज इसको लेकर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदेव साय और दीपक मस्के जो कि प्रदेश संयोजक है आईटी सेल के, उनके द्वारा ये बैठक ली जा रही है और यहां पर पूरा तय किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से मिशन 2023 की विजय राह तय की जाए। इसके साथ ही हम बात करेंगे आज यहाँ पर यूपीएससी की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा है, जो कि 39 केंद्रों पर आयोजित की गई है रायपुर जिले में। तो इस तरीके से यहाँ पर हजारों की संख्या में यूपीएससी के जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं इस प्रारंभिक परीक्षा में। ये 2 पाली में होगी, सुबह 9:30 से 11:30 और 1 रहेगी 2:30 से 4:30 बजे तक। इसके साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर आज जो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं, नव नियुक्त हुए हैं, वह आज पदस्थापना ग्रहण करने जा रहे हैं, तो वह आज यहाँ पर पदभार ग्रहण करेंगे नीरज पांडे जी। इस दौरान PCC के अध्यक्ष मोहन मरकाम राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। तो इस तरीके से कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आज होने वाले जी। अमित, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कई ऐसे आज खबरें हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियों में बनी रहेगी। सीधा कुलभूषण का रुख कर लेते, भोपाल से हमारे साथ कुलभूषण बने हुए। कुलभूषण, कौन सी वो तमाम बड़ी खबर है जो सुर्खियों में रहेगी? इस समय मध्य प्रदेश में जो है उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज है। जहां बीजेपी की अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी के तरफ से तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा आज से बेहद ही उनका जो है महत्वपूर्ण दौरा उपचुनाव सीटों पर लेकर रहेगा। आज वो खंडवा बुरहानपुर के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही BD शर्मा बूथ के कार्यकर्ताओं की और जो कार्यकर्ता है वार्ड के उनकी बैठक लेंगे। इसके साथ ही छोटी छोटी जनसभा नुक्कड़ जो है उसको भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ कार्यकर्ताओं के निवास में भोजन करेंगे। तो 2 दिवसीय ये BD शर्मा का महत्वपूर्ण दौरा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची कल जारी कर दी है और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भी लगातार जो है मध्यप्रदेश की 3 विधानसभा सीट 1 लोकसभा सीट में प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि अभी तक ये देखा गया है कि किसी भी केंद्रीय मंत्री का कोई कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन लगभग जो अनुमान लगाया जा रहा है कि दशहरा पर्व के बाद जो है केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी देखे जा सकते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आज ये है क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और नवरात्रि का पावन पर्व भी चल रहा है, ऐसी स्थिति में जो BD शर्मा आज से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, घर घर जाके वो कन्याओं की पूजन करेंगे नवरात्रि के पावन पर्व पर। कन्या पूजन एक विशेष महत्व रहता है क्योंकि देवी का रूप जो है कन्याओं को माना जाता है और इसी कड़ी में जो बीजेपी ने अपने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है उस कार्यक्रम के तहत आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और अपने जो उनके साथ उनके कार्यकर्ता रहेंगे वो आज घर घर पहुंचेंगे, कन्याओं की पूजन करेंगे। ये कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में भी चलाया जाएगा। इसके साथ ही
तीन विधानसभा सीट एक लोकसभा सीट में भी जो है घर घर जाके कन्याओं की पूजन की जाएगी। इसको अगर बात की जाए तो राजनीतिक मुद्दा विपक्ष ने बनाया है और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मध्यप्रदेश में लगातार जो है महिला अपराध बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और बीजेपी जो है एंड चुनाव के वक्त नवरात्रि के पावन पर्व पर उनको कन्याओं की जो है याद आ रही है। सीधा रायपुर का रुख कर लेते हैं, अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रायपुर से। अमित, लगातार सीएम भूपेश बघेल सक्रिय है, हमने देखा कि उन्होंने कई बार लखीमपुर खीरी मामला हो या फिर कई अन्य मुद्दों को लेकर वो यूपी आते जाते रहे और ऐसे में आज एक बार फिर से वो यूपी के दौरे पर है और प्रियंका गांधी वाड्रा के रैली में वो शिरकत करेंगे, तो कह सकते हैं कि चुनाव के मद्देनजर रहते हुए सीएम भूपेश बघेल काफी ज्यादा सक्रिय हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चूंकि मैं बताना चाहूंगा तरन्नुम यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ एक तरीके से रोल मॉडल बन गया है पूरे देश के लिए, कई ऐसे नवाचार के माध्यम से कई ऐसी योजनाओं को यहाँ पर लागू किया गया है जिसको लेकर अब कांग्रेस हाई कमान भी इसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भूपेश बघेल के नवाचारों को एक शाबाशी दी है और उन्हें कई बड़ी जवाबदारी दोहरी जवाबदारियां भी दी, जिस तरीके से यहाँ पर उन्हें उत्तर प्रदेश मुख्य पर्यवेक्षक बनाया है चुनाव के लिए। साथ ही हम बात करेंगे हिमाचल के स्टार प्रचारकों में भी भूपेश बघेल को पहले नंबर पर रखा गया, तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का केंद्र में एक प्रकार से राष्ट्रीय हाईकमान के सामने एक कद बड़ा है और इस तरह उन्हें हर जगह उनकी पूछ परख हो रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ वह लखीमपुर खीरी गए हुए थे और उसके बाद आज प्रियंका वाड्रा के साथ जिस तरह वह रैली में शामिल हो रहे हैं और केंद्र सरकार पर उत्तर प्रदेश सरकार को एक तरह से काशी से काफी जो मुख में उनकी जो बात आ रही है कि किसानों की रैली को वह संबोधित करेंगे और किसानों के हित की बात करने वाली, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती रही है, तो आज वह किसान हितैषी बिल्कुल हाई कमान भी अब पूरी तरह जी ठीक। अमित, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है और ऐसे ही बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है, दोनों ही मिशन 2023 के मूड में आ चुकी है और ये पर विकास की नई राह का भाग दो। आज चाहूंगा कि नवाचारों के माध्यम से विकास के नई बात कर रहे हैं, 11 बजे तक होगा तो यहाँ पर मैं भाजपा काफी सक्रिय रहा है, तैयार हो रही है। आज इस बैठक में इस रणनीति को अंतिम स्वरूप दिया जाएगा और किस तरीके से उजागर किया जाए सोशल मीडिया, किस तरीके से इनकी खामियों को उजागर कर सके और किसान इस ऐसी होने का जो वादा अब एक नया वो हो गया है कि अब सोशल मीडिया में उसे भी प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, तो कई मुद्दों को लेकर आईटीसीएल में चर्चा किया जाता रुक कर लेते। कुलभूषण हमारे साथ लगातार बने हुए, कुलभूषण की बात की जाए तो लगातार वोट के टाइम पर वो भगवा रंग का इस्तेमाल करती है और हमने भी देखा कि किस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व का यहाँ पर बीजेपी एजेंडा अपना रही है। बिल्कुल, साफ तौर पे कह सकते हैं जो कार्यक्रम की शुरुआत हो सहारा नजर आ रहा है, दामों में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है लगातार हुआ नजर आ रहा है, सड़कों में प्रदर्शन कर रहा है और मध्य प्रदेश में भी जो है कमलनाथ ने यह निर्देश दिए हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम प्रदर्शन करें। इसके साथ ही रसोई गैस के दामों में भी लगातार रही अनाज जो है लगातार महंगा होता जो है वो काफी परेशान है, आम जनता के बीच पहुंच रही है। तो वहीं बीजेपी जो है सॉफ्ट हिंदुत्व और विकल्प के साथ आम जनता के बीच पहुंचती नजर आ रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और रेगांव, जोवट, पृथ्वीपुर और खंडवा लोकसभा की सीट में 30 अक्टूबर को जब आम जनता वोट डालेगी और 2 नवंबर को परिणाम आएंगे तो वो किसके पक्ष में आएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है, दोनों ही पार्टियों के जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो भी जारी हो चुकी है, जल्द ही जो है स्टार प्रचारक भी मैदान में कूदते हुए नजर आएंगे। और वहीं प्रचारक की बात की, अगर हम बात करें कि टॉप 10 में किस दिग्गज नेता को शामिल किया बीजेपी ने, कौन से वो तमाम नाम होंगे? बिल्कुल, अगर हम दोनों ही राजनीतिक पार्टी की बात की जाए स्टार प्रचारकों की, क्योंकि कोविड कोरोना की गाइडलाइन चल रही है और 3 और एक लोकसभा सीट पे उपचुनाव होने हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग ने जो नियमावली लागू की गई थी कि आप 20 से अधिक जो है स्टार प्रचारक नहीं दे सकते हैं, इसलिए दोनों ही पार्टियों ने 20-20 अपने स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन आयोग को दी थी और वो सूची जो है राजनीतिक पार्टी की तरफ से जारी की गई। सबसे पहले हम अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में
केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा और मुरलीधर राव जो कि प्रदेश प्रभारी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल जो कैबिनेट के मंत्री हैं, ऐसे तमाम मंत्रियों के नाम इस सूची में शामिल है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, सुरेश पचौरी, अजय सिंह, अरुण यादव और दिग्विजय सिंह, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, ऐसे तमाम नेताओं के जो है नाम शामिल किए गए हैं। अभी तक ये देखा जा रहा है कि स्टार प्रचारक जो है वो मैदान में तो कूद चुके हैं, लेकिन जो बड़े स्टार प्रचारक है वो अभी कहीं ना कहीं उपचुनाव वाली सीटों से दूर नजर आ रहे हैं। जो कार्यक्रम अभी स्टार प्रचारकों के बन रहे हैं वो दशहरा के पावन पर्व के बाद के बनाए जा रहे हैं। तो 15 अक्टूबर के बाद जो है उपचुनाव की जो सरगर्मियां हैं, जो दौरे हैं, वो काफी तेज हो जाएंगे और दोनों ही पार्टी काफी ज्यादा एक्शन मोड में है और उपचुनाव में कोई भी कोर कसर ना रह जाए इसको लेकर बीजेपी भी लगातार तैयारी कर रही है। सीधा रायपुर का रुख कर लेते हैं, अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्वाड्रा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब ये एक तरह से इसने राजनीतिक रूप ले लिया है और ऐसे में पूर्व सीएम रमन सिंह क्वाड्रा के दौरे पर रहेंगे जहां पर वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल तरन्नुम, जिस तरीके से कवर्धा मामला एक बड़ा तूल पकड़ गया है, चूंकि यहां पर जिस तरीके से दो संप्रदायों के बीच में भगवा ध्वज को कुचलने और उसका अपमान करने की बात आई थी और उसके बाद ये बवाल हुआ था, यहां पर भारी दंगा हुआ और अभी भी इस समय यहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि कुछ घंटों की यहां पर ढील दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद यहां तनाव का माहौल बना हुआ है। अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसके द्वारा कल वहां शांति मार्च भी निकाला गया था, इसके बावजूद वहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं एक ओर जहां भाजपा इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है, क्योंकि उनके 200 लोगों के खिलाफ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह और साथ ही सांसद राजनांदगांव संतोष पांडे समेत 200 लोगों के खिलाफ FIR की गई है एक तरफा, उसको लेकर भाजपा राजभवन भी पहुंची थी और राजभवन ने गुहार लगाई थी कि इसमें राज्यपाल हस्तक्षेप करें और निष्पक्ष जांच करवाकर इसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको लेकर जा रहा है और ऐसे में यहां पर निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है। अमित और कुलभूषण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।